हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमोडिटी के अंदर आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कॉपर की जून फ्यूचर्स करेंटली मार्केट में जिस तरह से ट्रेड हो रहा है, आपको किस तरह का मोमेंटम ट्रेड देखने को मिल सकता है। जस्ट एज ऑफ द फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि कॉमोडिटी के अंदर कोई भी फ्यूचर्स के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन होता है। तो उसके बाद आपको एक अच्छा सा पॉजिटिव या फिर एक नेगेटिव साइड पे शॉर्ट पोजीशन या फिर लॉन्ग पोजीशन में आपको एक अच्छा सा टारगेट जरूर देखने को मिलता है, और जो वॉलिटिलिटी जो क्रिएट करती है और वो काफ़ी बेहतरीन होती है। और उसके साथ अगर समझ लो वॉल्यूम भी मिल जाए तो जो आप जो ट्रेड जो डायरेक्शन में ले रहे हो उसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि जिस तरह का मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट हो रहा है वो एक अच्छी खासी नॉर्मल वॉलिटिलिटी थी, बट अभी करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा कम वॉलिटिलिटी के अंदर ही ये कॉपर के जून फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड हो रहा है, और लगभग वन सेशन टू सेशन और आज का है थर्ड सेशन। सो एक्सपेक्टेशन ये रहेंगे लगभग नियर बाय कि आज या फिर कल एक अच्छा ऐसा मोमेंटम ट्रेड आपको जरूर देखने को मिल सकता है कॉपर के जून फ्यूचर्स के अंदर। वॉलिटिलिटी अच्छी है मार्केट में, जितना फ्लक्चुएशन होना चाहिए उससे थोड़ा बहुत कम जरूर आपको देखने को मिल रहा है, बट एक्सपेक्टेड है कि ये जो लेवल के बीच में भी जो चल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा लेवल है, उसके बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसके अंदर आपको एक अच्छा सा मोमेंटम अपसाइड या फिर डाउनसाइड पे और सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है कॉपर के जून फ्यूचर्स के अंदर। अगर मैं एमएसडी की बात करूँ तो सेलिंग का सिग्नल इसने नियर बाय यहाँ पर दे ही दिया था अगर मॉर्निंग के सेशन की हिसाब से बात करूँ तो, बट वॉलिटिलिटी काफ़ी कम है। सो उसके लिए आपको एक अच्छा सा ड्रॉप या फिर एक अच्छा सा बाउंस बैक आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है कॉपर के फ्यूचर्स के अंदर। RSI के अंदर भी एक नॉर्मल मोमेंटम के सबसे ट्रेड कर, ना ज़्यादा एक लो मोमेंट पे है ना फिर ज़्यादा कोई अच्छे से हाई मोमेंट पे करंटली ट्रेड हो रहा है। सो आप इसको भी थोड़ा बहुत वॉलिटिलिटी थोड़ा बहुत मेजर जरूर करने दीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेड ले सकते हो। अगर ये लेवल पर आकर फिर से अगर समझ लो ग्रीन कैंडल फॉर्म करना स्टार्ट करता है जस्ट लाइक दिस, तो मेरे हिसाब से आप लॉन्ग पोजिशन बना सकते हो। टारगेट 10 पॉइंट 15 पॉइंट्स एज पर योर साइकोलॉजिकल ट्रेड साइकोलॉजी, आप जो भी अपने प्रॉफिट के जो आपके एक्सपेक्टेशन होते हैं उसके हिसाब से आप एग्जिट कर सकते हो। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, एज वेल एज ट्रेडिंग करने के लिए आपके लिए ज़्यादा मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय।